त्योहारों का मौसम चल रहा है, क्रिसमस से शुरू हुआ और लगातार त्योहार ही त्योहार हैं। अब क्रिसमस के दिन मैंने सुना है कि एक सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लोज आता है, लोगों के घरों में गिफ्ट और पैसे वैसे रख जाता है। हमारे देश में सफेद दाढ़ी वाला सांता क्लोज 8 नवंबर को आ गया था। भाई वाह, और भाई सारे पैसे छीन के ले गया। ठीक 7 नवंबर को गुरुजी के चरणों में हमने काव्य पाठ किया था रामदेवड़ा में, और 8 नवंबर को ये घटना घट गई सर। नहीं, नोटबंदी के बाद वो हरियाणा के एक रेस्टोरेंट में एक बूढ़ा पहुंचा तो वेटर ने पूछा क्या खाओगे, बोला पैसे तो मोदी ने खोस लिए, तू ये मेज कुर्सी हटा, मैं तो कलाबाजी खाऊंगा। तो उसके बाद से आदमी कलाबाजी खा रहा है जी, और नोट भी देखा है आपने कैसा है वो। दरअसल अभी तक उस 2000 के नोट से मोहब्बत नहीं हो पाई है साहब। देखो ईमानदारी की बात तो ये, मोहब्बत नहीं हो पाई। वो मेरा एक दोस्त तो 11 नवंबर को ही बदलवा लाया था 4000 रुपए, तो अगले दिन पत्नी ने उठाया, बोले लॉटरी कब से खेलने लगे। बोले क्यों क्या हुआ, बोले तुम्हारी जेब में 2 लॉटरी के टिकट थे, मैंने फाड़ के फेंक दिए। अरे वाह वाह वाह, अरे वाह क्या बात है मनोज जी। एक लाजवाब तर्क मैंने पहली बार सुना, पूरे विश्व में शायद सबने पहली बार ही सुना होगा जी, नोट के विषय में, कि ये रंग छोड़ता इसका मतलब असली है। वाह, ये कमाल का तर्क था सर। नहीं मुलायम मोदी जी तर्क गजब देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अभी जब चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, 70 साल से विकास नहीं हुआ, 70 साल से विकास नहीं हुआ, इस चक्कर में अपने 3 साल भी जोड़ लेते हैं। 70 साल से विकास नहीं हुआ, अरे मोदी जी दूसरों के बाथरूम में झांकने की बजाय सही टाइम पे अपने बेडरूम में झांक लेते तो आज विकास घोड़ी चढ़ रहा होता। क्या बात, तो ये आनंद का मामला है जी, आनंद लिए जाओ। बहुत अच्छे, वाह।